जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने औरंगाबाद निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विजयनगर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला का उसके पति से तलाक हो चुका है, जिसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी युवक से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर जबलपुर आकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए। इतना ही नहीं, युवक पर महिला ने शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। प्रार्थिया थाने पर उपस्थित आई थी और एक शिकायत बताया था कि औरंगाबाद से एक व्यक्ति से उसकी जान पहचान हुई थी। महिला डिवोर्सी है, डिवोर्स मैट्रिमोनियल साइट से उसकी जान पहचान हुई थी। दोनों बातचीत करने लगे, उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने शादी का प्लान किया। ये सुमित गुप्ता नाम के व्यक्ति औरंगाबाद से आते थे और इनके साथ में आके शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच में इन दोनों के शारीरिक संबंध बने और अब वो महिला से शादी करने से इनकार कर रहा है। महिला से इस बीच में उसने कई प्रकार से बातें करके उससे जाल में फंसा के पैसों का भी प्रलोभन देकर उससे भी कुछ मतलब राशि ली है। तो जो महिला दोनों तरह की शिकायत कर रही है, दैहिक शोषण और रुपये जो उसने लिए हैं वो वापस देने के लिए। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।